हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ लुइजी पिरांडेलो का एक प्ले जिसका नाम है 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। और लुइजी पिरांडेलो की अगर हम बात करें, सो ही वॉज बॉर्न इन 1867 एंड डाइड इन 1936। And he was an Italian dramatist, novelist, poet and short story writer. और उन्होंने जो अपना best contribution दिया वो उनके plays थे and 1934 में उनको Nobel Prize भी मिला था। Luigi Italian modernism से relate करते हैं और absurd drama के लिए इन्हें जाना जाता है। और आज जो हम इनका एक play पढ़ने जा रहे हैं 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर, ये इन्होंने 1921 में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया करवाया था। और इस ड्रामे का जो जेनर है वो है एब्सर्ड ड्रामा और मेटा थिएटर। एब्सर्ड ड्रामा का तो मतलब आपको पता ही होगा, मेटा थिएटर का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। मेटा थिएटर का मतलब होता है कि प्ले के अंदर एक प्ले चल रहा है और जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्ले चल रहा है उसका ऑडियंस से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे कोई भी हम मूवी देखते हैं या फिर प्ले में हीरो हीरोइन एक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, हम लॉस्ट हो जाते हैं उसमें और उसको अपने आप से, अपनी स्टोरी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसमें ऐसी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है। और इस तरह के प्लेज में उस जो प्रोसेस होता है राइटिंग का, स्टेजिंग का, एक्टिंग का और टेक्निक्स ऑफ द प्ले, इस पे भी कमेंट किया जाता है। और इस प्ले के थ्रू भी पिरांडेलो कहना चाह रहे हैं कि जो कोई भी किरदार है, जो कोई भी कैरेक्टर है वो हमेशा ज़िंदा रहता है और उसे कोई भी नहीं भूल सकता है। लेकिन जो एक्टर्स हैं उसको भले ही कोई भी भूल सकता है, लेकिन जिस जो भी किरदार प्ले किया गया है उसको कभी कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि एक्टर्स जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जो भी वो कैरेक्टर प्ले करते हैं वो कैरेक्टर सिंगल ही कैरेक्टर होता है, वो हमेशा याद रखने वाला होता है। चलिए बात करते हैं अब इस प्ले की कैरेक्टर्स की। सो बहुत छोटा सा प्ले है, इसमें फादर है, मदर है और उनका एक बेटा है जो कि अब जो स्टेज पर आया वो अराउंड 22 ईयर्स ओल्ड है। फिर उसके बाद इसमें दिखाए गए हैं मदर के 3 बच्चे और भी हैं, वो किसी क्लर्क के साथ रहती थी बाद में, तो उसके साथ उसको 3 बच्चे हुए हैं जिसका नाम है स्टेप डॉटर, और एक बॉय है और एक चाइल्ड है। चाइल्ड मतलब छोटी बच्ची है, वो अराउंड 4 साल की, और जो एडोलेसेंट बॉय है वो अराउंड 12 या 14 ईयर्स का होगा और जो स्टेप डॉटर है वो 18 ईयर्स ओल्ड है। सो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जगह पर एक ऑथर की तलाश में आते हैं कि वो हम एक कैरेक्टर से किसी स्टोरी के और हमारी स्टोरी इनकम्प्लीट है, इसे कम्प्लीट कर दो। सो ऐसे ही इस स्टोरी की, इस प्ले की स्टार्टिंग होती है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 की स्टार्टिंग होती है एक स्टेज की रेगुलर रिहर्सल से, जहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिस की जा रही है वो पिरांडेलो का ही एक प्ले है जिसका नाम है मिक्सिंग इट अप, उसके लिए वहाँ पे रिहर्सल चल रही है। और दूसरी तरफ लोग अपनी कॉस्ट्यूम जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो लीडिंग मैन है वो अपने नखरे दिखा रहे हैं कि वो कॉस्ट्यूम से खुश नहीं है। तो ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक वहाँ पे एक डोर कीपर आता है और मैनेजर को बोलता है कि उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं, 6 लोग आए हैं, लेकिन इससे पहले वो उनके बारे में बताता, वो पूरे 6 के 6 लोग अंदर आ जाते हैं, 6 कैरेक्टर्स वो अंदर आ जाते हैं और मैनेजर से बात करते हैं। सो इन 6 कैरेक्टर्स में से जो फादर है वो मैनेजर को बताता है कि उसके पास एक अनफिनिश्ड ड्रामा है और उन्हें बस एक ऑथर की तलाश है जो हमारी एक इस अनफिनिश ड्रामा को कंप्लीट कर दे, फिनिश कर दे, एंड स्टोरी तक ले आए। और साथ ही साथ वो मैनेजर को ये भी बताता है कि जो मेरे 5 साथी हैं, हम जो पूरे 6 कैरेक्टर्स हैं, ये सचमुच में कैरेक्टर्स हैं, हम किसी स्टोरी की कैरेक्टर्स आए हैं, हम कोई रियल पीपल नहीं हैं। सो उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं और जो मैनेजर होते हैं वो उसकी स्टोरी सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं।
जब सब लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं तो जो फादर है वो बोलता है कि नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम वाकई में कैरेक्टर्स हैं और बल्कि अब हम इन कैरेक्टर्स को जीना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप एक बारी हमारी स्टोरी तो सुन लें, क्योंकि जो राइटर है, जो ऑथर है, जिसने स्टोरी लिखी है, उसने सिर्फ दो ही एक्ट लिखे हैं, थर्ड एक्ट नहीं लिखा है। तो फिर जो स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं अपनी सुनानी। सो स्टोरी की शुरुआत होती है द फादर से। सो जो फादर है उसने एक पेजेंट वुमेन से शादी की होती है और उनका एक बेटा भी होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जो वाइफ है यानी कि जो द मदर है, उसका उसके हस्बैंड के जो एक क्लर्क है उसके साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और जब फादर को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी वाइफ यानी कि द मदर को अपने क्लर्क के साथ जाने की इजाज़त दे देता है, और फिर उनका जो एक बेटा है वो अकेला रह जाता है। फिर वो अपने उस बच्चे को कैसे पालता, तो वो उसको अपने से दूर यानी कि नर्सेस के पास भेज देता है, हॉस्टल भेज देता है, और वहीं पर वो उसकी अपब्रिंगिंग होती है। और जो तो फादर है उसको इस चीज़ का बुरा भी लगता है, उसे बहुत दफ़ा अपनी वाइफ की याद भी आती है, उसे बहुत दुख होता है कि उसकी फैमिली टूट चुकी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर क्या होता है कि जो द मदर है और वो क्लर्क है, सो वो दोनों साथ रहने लगते हैं। फिर उनके साथ तीन बच्चे होते हैं उनके, सबसे पहले स्टेप डॉटर, फिर एक द बॉय, फिर उसके बाद एक 4 साल की छोटी बच्ची है। जो द फादर है वो अपनी जो फैमिली है, मतलब अपनी वाइफ और जो क्लर्क है और उसके जो बच्चे हैं, उन पे नज़र रखता था, उनको बहुत मिस करता था। और जब जब वो बच्ची का पता चला कि वो बच्ची है, स्कूल जाती है, स्टेप डॉटर जो है, तो वो उसको बहुत दफ़ा स्कूल आ करके उसको गिफ्ट वगैरह दे करके जाता था। तो इसी तरह से चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि क्लर्क और उसकी जो मदर, जो वाइफ है, वो वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, तो उससे फिर कॉन्टेक्ट टूट जाता है। कुछ सालों बाद जब क्लर्क की डेथ हो जाती है तो जो मदर है वो अपने बच्चों के साथ वापस उसी शहर में आ जाती है, और जो मैडम पेस है, एक उनकी ड्रेस शॉप थी, तो वहाँ पे उन लोग को वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे की कमी आ जाती है। तो अब वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो मैडम पेस थी वो एक ब्रोदल भी चलाती थी, तो वो जब उसको देखती है, स्टेप डॉटर को, तो वो उसको भी इसी काम में इन्वॉल्व कर देती है, लालच दे करके कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा इसमें। फिर एक दिन क्या होता है, जो फादर है वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा होता है, और वो मैडम पेस के पास जाता है किसी प्रोस्टिट्यूट की तलाश में। तब उसे वहाँ पे उसकी जो स्टेप डॉटर है वो मिल जाती है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता है। और फिर वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि अचानक से जो मदर है वो वहाँ पर आ जाती है और उसको पहचान लेती है और उन्हें रोक देती है। फिर जो फादर है वो स्टेज पे जो भी मेंबर्स होते हैं उनको ये भी बताता है कि सन का भी अच्छा खासा रोल है इसमें। जो सन है वो अपने पेरेंट्स से दूर रह कर की बहुत ज़्यादा अकेला है और बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा है। और फिर वो ये भी बताता है कि जो इस ड्रामा की एंडिंग है वो इस जो छोटी बच्ची है, सबसे छोटी, उसकी डेथ से होगी, और जो यंग बॉय है ये सुसाइड करेगा, और जो स्टेप डॉटर है वो लास्ट में भाग जाएगी। ऐसा जो है ये हमारे ऑथर ने सोचा था, लेकिन ये सब कैसे होगा वो उसने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है। सो जो मैनेजर है वो उनकी इस स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है, उसे लगता है हाँ ये स्टोरी तो बहुत अच्छी है, चलो लेट्स परफॉर्म। और फिर जो वहाँ के एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं ये क्या, हमारा जो मैनेजर या जो डायरेक्टर है इसका दिमाग ख़राब हो चुका है क्या, ये किन लोगों की बातों में आ रहा है और इसने हमारी रिहर्सल स्टॉप कर दी, उस पर वो बड़ा गुस्सा होते हैं। फिर एक्ट 2 की स्टार्टिंग होती है, और जो स्टेप डॉटर है वो बॉय को बोल रही है, अपने भाई को बोल रही है कि तुम्हें इसमें सुसाइड करने की जगह या तो फादर को शॉट कर देना चाहिए इस रिवॉल्वर से, या फिर जो द सन है उसको तुम्हें शॉट करना चाहिए, ना कि खुद को मारना चाहिए। दूसरी तरफ जो मदर है वो अपने सबसे बड़े बेटे सन से बात करना चाह रही है, और जो सन है वो उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो अपनी मदर से नाराज़ भी है कि उसकी वजह से जो उसका पूरा बचपन है वो बर्बाद हो गया।
फिर दूसरी तरफ जो मैनेजर है वो प्रॉम्प्टर से बोलता है कि ये जो लाइंस इन कैरेक्टर्स ने बोली हैं इनको जल्दी जल्दी एक शीट पर लिखो ताकि मैं एक्टर्स को दे दूं और वो इस एक्ट पर परफॉर्म कर सकें। सो इतने में जो फादर है और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इस हमारी जो स्टोरी है उसको बाकी एक्टर्स क्यों परफॉर्म करेंगे जबकि हम खुद कैरेक्टर्स हैं, हम अपनी लाइंस को खुद बोलेंगे। और वो ये भी बोलता है कि जो एक्टर्स हैं वो कभी भी रियलिस्टिक हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि जो एक्टर्स हैं वो आज किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, कल किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो किसी भी कैरेक्टर की जो इमोशनल और सेंटिमेंटल डेप्थ है उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। सो बेहतर होगा इसे हम ही परफॉर्म करें। मैनेजर उन्हें शांत रहने को बोलता है और कहता है नहीं, इसे मेरे एक्टर्स ही प्ले करेंगे। फिर वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो सीन जिसमें जो फादर है एंड जो स्टेप डॉटर है वो सालों बाद मिलते हैं और वो एज अ प्रोस्टिट्यूट उसके पास आती है। तो उसके लिए उन्हें मैडम पीस की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन मैडम पीस जो है वो मिसिंग है। तो वो फादर से पूछता है डायरेक्टर कि वेयर इज शी। वहाँ पर मैडम पीस भी आ जाती है। फिर जो सीन है वो स्टार्ट होता है और वो लोग जब एक्टर्स इस पर एक्ट करने की कर रहे होते हैं तो जो सिक्स कैरेक्टर्स हैं वो आपस में हंसने लगते हैं। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल भी उस इमोशंस के साथ नहीं कर पा रहे हैं सीन को। तो फिर जो डायरेक्टर है वो बोलता है ठीक है आ जाओ तो तुम ही लोग परफॉर्म कर दो। फिर जो स्टेप डॉटर है एंड फादर है वो दोनों अपना जो सीन है वो स्टार्ट करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं। फिर इतने में जब मदर उनको दोनों को साथ में देखती है वो फिर से उसके इमोशंस जाग जाते हैं जो कि इस सीन के अकॉर्डिंग चल रहे थे और वो उन दोनों पर चिल्लाती है और उन्हें रोक देती है कि नहीं, इससे ज़्यादा आगे परफॉर्म नहीं होगा स्टेज पर। और अपने हस्बैंड जो द फादर है उस पर ही एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देती है कि ये जानता था कि इसकी बेटी है लेकिन तब भी इसने इसके साथ ऐसा किया। और जो फादर है वो अपने जो डिफेंस में बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारी बेटी है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। तो ये सब देख करके जो मैनेजर है और जो बाकी एक्टर्स हैं जितने भी स्टेज पे मेंबर्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे, परेशान हो रहे, हंस रहे हैं। उन लोग को समझ में भी नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है आखिर। फिर अब एक्ट 3 स्टार्ट हो जाता है, ये लास्ट एक्ट है इस प्ले का। और जो मैनेजर है वो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसकी जो सेटिंग है उसका जो प्लॉट है वो चेंज कर देता है और वो कहता है कि अब जो भी प्ले होगा, जो भी परफॉर्मेंस होगा वो फादर के जो गार्डन है वहाँ पर होगा, तो तभी एक अच्छा अज्यूम किया जाएगा इस प्ले को। और मैनेजर उनकी काफ़ी लाइंस ऑल्टर भी कर देता है, थोड़ी प्ले की सेटिंग चेंज कर देता है। तो फादर उस पर बोलता है, उनसे गुजारिश करता है कि प्लीज़ आप इस प्ले की इतनी ज़्यादा सेटिंग मत चेंज करें, इतना ऑल्टर ना करें, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो उसकी जो अंदर से जो एक फील आ रही है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ये सब इतना ज़्यादा चेंजेस करने की वजह से। जैसे कि इसमें होना था ना कि जो बच्चा है वो लास्ट में वो सुसाइड करके मर जाएगा, अपने आप को गन से मार देगा, और जो बच्ची है छोटी गर्ल तो वो भी मर जाएगी। तो यही सीन जो है वो होना होता है परफॉर्म। फिर प्ले जो है वो स्टार्ट होता है, सीन स्टार्ट होता है। और जो अब सीन स्टार्ट हुआ इसमें स्टेप डॉटर क्या कर रही है, वो जो बच्ची है उसको फाउंटेन के पास छोड़ देती है और जो मदर है वो अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बेटा जो है वो बात बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा है और उसे छोड़ करके गार्डन में चला जाता है अपनी मदर को। और फिर वहाँ पर जो गर्ल है पता चलता है, उसकी चीखने की आवाज़ आती है कि वो वहाँ पर डूब गई है, फाउंटेन में डूब गई है, मदर को पता चलता है तो वो उसके पास दौड़ लगा देती है। फिर दूसरी तरफ से पता चलता है कि जो बॉय है वो अपने आप को गन से मारने जा रहा है, अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है और वो बेटा मर जाता है उसका, वो उसकी तरफ भागती है। मतलब दोनों लोग यहाँ पे मर चुके हैं और जो मैनेजर है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये रियल चल रहा है या फिर ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं। और इसी कंफ्यूजन के साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है, द कर्टेन क्लोजेस। सो ये था हमारा एब्सर्ड ड्रामा। आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एक्ट